सब मालूम था, रोज हमारे एक महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ रोज उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल, उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत से बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ। अरे छोड़ो सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई जिंदगी बचाएगी, जैसे कि निक और प्रियंका है वैसे तुम और मैं, 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारा प्यार में वो पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। रितेश लाइव आएंगे अभी जहाँ पर वो हैं, और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट, आई थिंक सर्टिफिकेट और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें, जब वो कोर्ट पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूं, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूं, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूं। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। इतने दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ अभी पूछो। हाँ पूछो। ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है उसने जो वीडियो दिखाया है ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया या कोर्ट के पास क्यों नहीं गया, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा लाइक हम लोगों का एक ब्राइडल सूट था जो सीन रिक्रिएशन था, उस टाइम उसी टाइम मैं और राखी मिले थे, तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि लाइक ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया, उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था, और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था, मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी लाइक मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये मैं बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सकता हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफकोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है, शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था, एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में, एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ, एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है, क्या हुआ यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ, ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग मैंने
ने ये सारी चीजें दिखाई थी, कुछ लोग ने कमेंट्स किया है दो पासपोर्ट क्यों, दो पासपोर्ट इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया तो दूसरा एज पर लॉ है राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है ठीक है। तो इट डजंट मीन कि कुछ वीजा इसमें है कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पास एज पर लॉ वो लंदन नहीं गए। रितेश एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चा क्या आप लंदन गए थे क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड ऑल्सो हर महीने रितेश कुछ इसी के लिए देखो आ रहा हूँ कि भाई आप लंदन उसको पता नहीं है शायद ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो आउट कर रहे हो उसका स्टैंपिंग कम में दिस आई थिंक वीडियो में रितेश वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं, ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत हाँ बोलिए सारी चीजें आपको भेज दूंगा बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ कब आउट किया हूँ और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे क्या हम लंदन में मिले थे क्या हम एक कमरे में गए थे तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे नहीं उसका कहना है रितेश जस्ट सेकंड उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया 008 हो गया है, उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं जो MI7 में दिखता है ना वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा क्या वीडियो फुटेज है इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता ये देश का वीजा का एंट्री है देश में इंटर होने का एंट्री है ठीक है पहला दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे मैं इतने लोगों के सामने मैं क्षत्रिय हूँ मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था यूके में था कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं लीगल इस पर सब पूछिए बहुत पूछो ये सही है मैंने उसको कॉल किया था उसने कॉल किया था एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था वो बातें पूरी नहीं बताया मैं राखी से बात कर रहा था राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है जो भी है हमारी बीच हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा ये बंदा स्मार्ट और नीच किस्म का इंसान है मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है बट शी इज रियली नीच उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता मैं ओपनली बोल रहा हूँ और आदिल खान दुरानी अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ठीक है मैं बहुत सहा लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा तू कौन है क्या है ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला उसके बाद इसने राखी को अलग किया उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब हमारा राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं मैंने पूछा कि क्यों राखी उसने बताया कि राखी ने बोला कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला वो प्यार नहीं मिला जो भी राखी ने बोला ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं हम लोग ये कर चुके हैं और राखी आई वॉन्ट यू टू एडमिट दिस थिंग आई डिड इट मैंने बोला रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था मैंने बताया है ठीक है पहले ओके
तो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है जहाँ भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो लाइक, तब ये बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था, एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी, एक्सप्लेन दैट। ओके ओके सुन लो, ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहिए, ये बंदा इंटेंशनली बोला उससे, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोला। रितेश रितेश जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो 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 जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू एक वर्ड, कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए, मैं राखी राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या, क्योंकि बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है। तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है, और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये मेरी चैट देखो, कोई मैनिपुलेटेड आंसर नहीं, तो हूँ ब्लंट हूँ मैं, अगर गलती की हूँ मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। कभी भी राखी के साथ कभी भी शादी किया था किसने? आपकी कभी भी राखी से, राखी से शादी, राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इनका इसका सारा चीज जो है फेक के ही पे है, ठीक है। मैं इसको इसको प्रूफ देके क्या मैसेज जो भी है मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ, मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो वर्किंग क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया, मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूँ आपको जो डेट्स मैं दिखा रहा था, आप देखो आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूँ, ये है राखी का चैट, ठीक है। पहला डेट दिखा दे रहा हूँ, ये 30 मार्च का, उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाई आई एम इन लंदन, ओके देख लो यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है, और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है, कि ये मारता है पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें राखी